अब क्या तैयारी कर रहे हो? अब तो वो कर ली जथेबंदियां का जो काल है, हर सरकार में जो मीटिंग है, असी जीत का जड़ा विकल्प बच चुका, 99% जड़ा सानू उधरों हो गई है, हाँ हो गई है। अज असी आप दे नंगरां नूं इत्थों खुशियां मनाउंदे जावांगे, उहदे वास्ते असीं आपकी तैयारी कर लिया, आपका समान समेट लिया। आंदोलन को आज एक साल से ऊपर हो चुका है, जज्बे के साथ सबने हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ी है और हिम्मत और हौसले बुलंद रखे हैं। आज कल सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट लेटर आया और उसमें हमारी मांगों पर सरकार जो है वो सहमत दिखाई दी और उसके बाद जो बातचीत हुई मोर्चे में भी हरियाणा पंजाब यूपी सभी जगह के किसानों ने उस पर सहमति जताई। अब इंतजार है रिटर्न ऑथराइज्ड लेटर का, जैसे ही वो लेटर हमारे हाथ में होगा उसके बाद हम आगे की जीत का ऐलान कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई सिर्फ वर्बली बोलने पे विश्वास करके हम छोड़ के रास्ते बीच में नहीं जा सकते। हम मुद्दों की लड़ाई के लिए बैठे हुए थे और जब तक हमारे हाथ में रिटर्न में सारी चीजें नहीं आ जाती हम तो बॉर्डरों पे थे और रहेंगे। देखिए, जो एक साल का जो हमारा आंदोलन रहा है बड़ा संघर्षशील रहा है, सरकार ने हर तरह की साजिशें अपनाई और उनको कामयाब करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो हमारा भाईचारा था 36 बिरादरी का और पूरे भारत देश का, उन्होंने उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और आज जो अभिमानी था उसका अभिमान, उस अभिमानी को हमने झुकाया, उसका अभिमान खत्म किया और हमारी सच्चाई की जीत हुई, हमारे भाईचारे की जीत हुई। आज हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा, पूरे इंडिया का भाईचारा बड़े ही खुशी से खुश है और खुशी के साथ फूलों की वर्षा करते हुए और बिल्कुल जोशीले देशभक्ति के गाने और गीत गाते हुए जाएंगे। लेकिन जब सरकार लिखित में हमारे सामने पत्र पेश कर देगी, क्योंकि इस झूठी और सोची समझी साजिशों वाली देश को बर्बाद करने वाली सरकार पे हमने जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे पास लिखित में कोई लेटर नहीं आता। जो 12.5 महीने इस आंदोलन को इस दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर हुए हैं और 1.5 साल के करीब जो हमारा अलग अलग राज्यों में हमारा आंदोलन चल रहा था, तो बहुत ही जैसे पंजाबी में गाना था ना, एकता ते सबर जितौंदा मित्रो ये जंगा नू, हमारी एकता और सबर ने इस आंदोलन को जीत की ओर लेके आए हैं। कल सरकार का जो ड्राफ्ट आया था संयुक्त किसान मोर्चे ने उसको प्रवान किया है, अब ऑथेंटिक लेटर आना, उसकी मोहर लगकर भारत सरकार की, उसके बाद हमारा किसान मोर्चा की मीटिंग में ऐलान किया जाएगा, जीत का ऐलान किया जाएगा। और अब जो है गेंद सरकार के पाले में है, सरकार कब तक वो लेटर को भेजती है और उसके बाद हम जश्न को मनाते हुए, इस जीत को मनाते हुए अपने अपने खेतों में घरों में वापस जाएंगे, ये अब सरकार के हाथ में है।